हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा संधि, पाठ 3 संधि। ठीक है, तो संधि का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। कहते नहीं संधि कर लो भाई, मेल कर लो, जोड़ कर लो। किसका जोड़ बेटा? दो ध्वनियों का जोड़। ठीक है, तो संधि का आपसे पूछे एनटीएससी में आ जाए संधि शब्द का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन क्या मिलेंगे उसमें? मेल, जोड़ और कोई अलग से रख देंगे। तो आप मेल हो या जोड़ हो, उनमें से कोई भी हो, वो क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे आ प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? इधर भी स्वर, इधर भी स्वर। आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? आ। फिर आता है बेटा उदाहरण देखो, विद्या प्लस आल्य, तो इधर क्या है? यह प्लस आ, तो यहाँ क्या है? आ प्लस आगे भी क्या है? आ। तो क्या बताया मैंने? आ प्लस आ क्या बन जाएगा? आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी द, यू का यू रख लीजिए, ले और ये ऐसे ही रख लीजिए। अब ये में आ प्लस आ क्या बन जाएगा? या। ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, आ नहीं आएगा। ये प्लस आ क्या बन जाएगा? या। तो क्या बन गया? विद्यालय। ठीक है, फिर आता है बेटा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार आता है उसे हम संधि कहते हैं। अब आपसे पूछे संधि किसे कहते हैं, क्या बताया था? पहले शब्द का कौन सा वर्ण है? ये अंतिम, और दूसरे का शुरुआत वाला, स्टार्टिंग वाला। तो क्या है? पहले शब्द के अंतिम, तो पहले का कौन सा? अंतिम। और दूसरे शब्द के कौन सा वर्ण? पहले वर्ण के मेल से, यानी इनके मिलने से जो विकार आता है, जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। आ गए समझ? फिर है बेटा संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब क्या था बेटा? मेल, और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। ठीक है, जब संधि युक्त शब्द में आए दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे ये क्या है? पर्वतारोही। ये तो क्या बेटा? संधि है। अब इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो ये क्या है? किसका उदाहरण हो जाएगा? संधि विच्छेद का। अब आपसे पूछे कोई ये दे दे तो ये क्या है? संधि का उदाहरण है। और ये दे दे तो ये क्या है? संधि विच्छेद। यानी हमने संधि को क्या कर दिया? उनके दो पार्ट्स बना दिए हैं, पर्वत प्लस आरोही। क्या बन गया? पर्वतारोही। तो ये क्या है? विच्छेद है बेटा। ठीक है, तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब संधि विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना, और जब संधि युक्त, यानी जब संधि युक्त शब्द में आए दोनों शब्दों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया गया, तो वो कहलाता है बेटा विच्छेद। ठीक है, फिर आता है बेटा संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से बेटा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपसे पूछे संधि के कितने भेद हैं, तो कितने बताओगे? तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इधर हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए बेटा? संधि शब्द का क्या अर्थ है फर्स्ट, देन क्या संधि किसे कहते हैं टू, देन संधि विच्छेद किसे कहते हैं तीन, और संधि के भेद कितने हो गए? चार। तो चारों क्वेश्चन अच्छे से लर्न होने चाहिए आपको। आगे है बेटा, अब हम संधि को क्या करते हैं बेटा, अच्छे से समझ आएगी फिर आपको। ये इसको कितने भागों में बांट लेते हैं? तीन। स्वरों को कितने भागों में बांट देती हूँ मैं? तीन में। ए आ कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कौन से भाग में आएंगे? फर्स्ट। ई उ री कौन से में? सेकंड में। देन ए आई ओ औ कौन से भाग में आएंगे? थर्ड। अब आपसे पूछूंगी मैं कितने भागों में बांटा है मैंने संधि के लिए वर्णों को, कौन से वर्ण? सिर्फ स्वरों को। तो कितने में? ए आ कौन सी कैटेगरी में रखे हैं? फर्स्ट। ई उ री सेकंड। ए आई ओ औ किस में? थर्ड में। ठीक है बेटा, ये आगे काम आएंगे जब हम संधि करेंगे। फिर है बेटा स्वर संधि। फर्स्ट कौन सी थी हमारी? स्वर संधि। तो पहले हम स्वर संधि के बारे में ही करेंगे। दो स्वरों के, देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्वर संधि। इसमें क्या मिलेंगे? स्वर। तो दो स्वरों के मेल से शब्द में जो विकार या परिवर्तन या बदलाव आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जब दो स्वर हो आमने सामने और उनके मिलने से जो बदलाव आए उसे हम बोलेंगे बेटा स्वर संधि। जैसे देव प्लस आल्य। क्या है? देव प्लस आल्य। अब वह में क्या मिला हुआ है? ए। तो ए क्या है? स्वर। देन आ, आ भी क्या है? स्वर। तो परिभाषा क्या थी?
दो स्वरों के बीच, तो दोनों तरफ क्या है स्वर है बेटा, तो क्या बन गया देवाल्य। अब देखो पहले भी मैंने समझाया था, दे को अलग निकाल लो, ले और ये को निकाल लो, ले ये बन गया हमारे और दे बन गया। अब वा का वो चक्कर बेटा क्या, तो इसमें क्या है ए और इसमें आ, तो क्या हो जाएगा इसमें ए प्लस आ क्या बनेगा आ, तो वह में आ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा वा, ठीक है तो देवाल्य। फिर आता है बेटा स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। अब कौन सी संधि कर रहे हैं स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बेटा पांच, और संधि के कितने थे तीन, तो फर्स्ट क्या है बेटा दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, फिर यण संधि और फिर अयाधि संधि। इधर मैंने इसके ये भी बनाई है, क्या गमले में डाले इनको किसको पांचों को, क्या है फर्स्ट दीर्घ देन गुण फिर वृद्धि और यण और अयाधि, ठीक है बेटा। तो स्वर संधि के कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर करते हैं हम आज कौन सी संधि करेंगे, दीर्घ संधि। जब स्वर दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा कर देना, दीर्घ बना देना, तो ए आ के साथ ए या आ, फिर ई के साथ ई या ई, और ऊ के साथ ऊ या ऊ आए तो क्रमशः है आ ई और ऊ हो जाते हैं। अब आप कैसे लर्न रखोगे दीर्घ संधि में क्या होंगे, ये लर्न रखो आ ई ऊ, यानी आमने सामने कोई भी स्वर हो, क्योंकि ये दोनों में से ही मिलने हैं, कौन से मिलने हैं आपको इसमें से और इसमें से ही मिलेंगे बस, कौन सी कैटेगरी होगी इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, ठीक है बेटा। तो इधर देखो मैंने इधर बना रखा है फर्स्ट प्लस फर्स्ट, यानी दीर्घ संधि में क्या होंगे दोनों तरफ क्या होंगे सम स्वर होंगे, इधर ई है तो उधर भी ई मिलेगी, छोटी बड़ी हो सकती है, इधर ऊ है तो उधर ऊ ही मिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है बेटा देखो पुस्तक प्लस आल्य, तो क में क्या है ए और आ, तो क्या बन गया ए प्लस आ, मैंने बताया था क्या हो जाएगा आमने सामने कोई भी हो तो दीर्घ बन जाएगा उसका, तो ए और आ में से दीर्घ कौन सा है आ है, तो क्या बन जाएगा आ, तो पुस्तक प्लस आल्य। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, पुस्तक को लिख लो भाई, फिर क्या लिख लेते हैं ले और ये। अब इसका है देखो, तो क में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा का, तो क्या बन गया बेटा पुस्तकालय। तो ये किसके उदाहरण है, अब आपसे कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा कि ये दीर्घ संधि है ये गुण संधि है, तो कैसे पता चलेगा, आप ध्यान रखो दीर्घ में क्या होना है आमने सामने सम स्वर मिलेंगे, यानी समान मिलेंगे, ए आ कोई भी हो सकता है बट ए का आ भी हो सकता है, ई ई यानी सामने ई ई मिलेंगी, ई के सामने ऊ नहीं मिलेगा बेटा। तो अब इस इधर क्या है बेटा रवि प्लस इंद्र, ये मैंने तीन बताए आपको, आ का समझा दिया फिर ई का करते हैं, रवि प्लस इंद्र, इधर क्या है छोटी मैंने लिख दिया छोटी, इधर भी क्या है छोटी, फिर ई प्लस ई मैंने क्या बताया था क्या बन जाएगा दीर्घ, तो ई। तो अब देखो रे लिख लो भाई, द और रे लिख दो, फिर इसका देखो वी, वी में क्या मिलना है ई, तो क्या कैसी हो जाएगी ई प्लस ई कैसी होनी है बड़ी, तो बस वे प्लस ई वी और वी कैसी होनी है बड़ी, तो क्या बन गया रविंदर, क्योंकि तो छोटी प्लस छोटी क्या बनानी है ई बड़ी, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बेटा ऊ का, ये रह गया हमारा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई भी हो, इधर मैंने छोटे के ही ले रखे हैं, सू प्लस उक्ति, तो ये कौन सा है छोटा है भाई, इधर कौन सा है छोटा है भाई, तो क्या बन जाएगा बड़ा, तो अब बड़ा बनेगा तो सह में कैसा हो जाएगा ऊ, इसको यूं का यूं लिख लो भाई कै कति, ठीक है। अब सू प्लस ऊ, सू कैसा हो जाएगा बड़ा, तो सुप्ति, समझ आया बेटा। तो क्या थे दीर्घ संधि में सम स्वर होंगे और उनका क्या हो जाएगा बेटा दीर्घ हो जाएगा। कल मैं आपसे सुनूंगी क्या ए प्लस आ, क्या करना आपको रफ नोटबुक में डालने हैं सारे क्वेश्चन, उधर कितने बन गए थे हमारे चार, इधर कितने बन गए, कितनी कैटेगरियों में बांटा गया भाई, कितने भागों में तीन में, स्वर संधि किसे कहते हैं भाई, अच्छा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और दीर्घ संधि कितनी वो सॉरी दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि में क्या बनेगा भाई आ ई ऊ, ठीक है बेटा, ओके बाय।